एक दबंग की दबंगई का अजीबोगरीब एक मामला एमपी के शहडोल जिले के धनीपुरी क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक प्रभावशाली दबंग व हिंदू क्रिश्चियन समाज के संयुक्त कब्रिस्तान पर ताला जड़कर कब्जा करने का आरोप लगा है। दबंग के कहर के चलते क्रिश्चियन समाज में हुई एक की मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए समाज के लोग भटक रहे। पिछले 12 घंटे से शव को अंतिम संस्कार नहीं करने को लेकर परेशान समाज के लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है और जमीन न मिलने के कारण वहाँ ताला लगा दिया है। कोई दबंग आदमी है जो ताला मार दिया वहाँ, मिट्टी होने नहीं पा रही है, उसके वजह से बहुत तामझाम हुआ, प्रशासन को बुलवाना पड़ा और काफ़ी सारी समस्याएं हुई है और इसी वजह से आज मिट्टी हो नहीं पाई है, क्योंकि ताला बंद कर दिया था और अपना कब्जा दिखा रहा था, ताला लगा था। वो कब्रिस्तान में क्या बोल रहे हैं? वो बोले कि हमारी जगह मिट्टी होने नहीं देंगे। ये तो आप लोग अभी मिट्टी नहीं दिए, दफन नहीं? मिट्टी नहीं दिए, वो रखा हुआ है घर में और काफ़ी परेशानी है। प्रशासन भी हमारी जो मदद देना चाहता था वो दे नहीं पा रहा है मदद हमको, क्योंकि वो जब वो पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँची है तब जा करके वो कुछ निर्णय हुआ है और इसके वजह से आज मिट्टी जो अंतिम संस्कार नहीं हो पाया और वो समझ जाइए 1975 से वो ज़मीन और हम मसीह भाइयों के लिए वो बनाई गई थी, दी गई थी और उसी में हम लोग अब तक चले आ रहे थे, लेकिन अब ये पिछले साल भी इसी तरह का हुआ रहा तो वहाँ के जो आदमी है हमारे मसीह समाज के एक आदमी ख़त्म हो गए तो इसी समस्याओं को लेकर के फिर उसको अपने घर में उसको दफन करना पड़ा, लेकिन वहाँ मिट्टी होने नहीं दिया वो आदमी। अभी आज और आज भी हम लोग अपने भाई को लेकर के वहाँ गया तो हमको वहाँ रुकने नहीं दिया और बोला कि यहाँ कोई मिट्टी नहीं होगी और अपने दबंग दिखा रहा था वहाँ पर लोगों को और हमको वापस लेके आना पड़ा और ये किसी तरह से अभी कल होगा। जिले के धनपुरी थाना क्षेत्र के एक नंबर नर्सरी स्थित कब्रिस्तान में कुछ हिस्सा हिंदू समुदाय के लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है तो वहीं कुछ हिस्से में क्रिश्चियन समाज के लोगों का अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन क्षेत्र के एक दबंग द्वारा उक्त कब्रिस्तान पर ताला जड़ क्रिश्चियन समाज के लोगों को अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जा रहा है, जिससे लाचार क्रिश्चियन समाज के लोगों को अंतिम संस्कार के लिए भटकना पड़ता है। हमारे चर्च में मतलब हमारे मसीह समाज में एक गमी हो गया है और अभी भी हम लोग मिट्टी वहाँ देने जाएं लेकिन वहाँ पर वो फिर वही दबंगई जो है वहाँ फिर ताला लगा हुआ है और अब ताला खोला नहीं जा रहा है और अभी मिट्टी हमारे घर में एक दिन हो गया है, अभी भी रखे हैं हमारे घर में मिट्टी, मतलब हमारे समाज की मिट्टी जो है, समाज में जो मिट्टी रखी हुई है अभी भी घर में रखा है, अभी कुछ कहा नहीं जा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। आपके साथ क्या हुआ था एक साल पहले आपके मम्मी के? मम्मी के साथ भी सेम ही प्रॉब्लम हुआ था, मतलब अचानक मम्मी हमारी डेथ कर गई और जब मिट्टी की बात हुई तो वहाँ पर हम लोग अपनी कब्रिस्तान जाने का प्लान हुआ था लेकिन वहाँ पर वही जो ताला लगा है वहाँ पर जाने नहीं दिए, वहाँ मजबूरन अपने घर में अपनी घर के मतलब अपने आंगन में ही मिट्टी देना पड़ा मेरे को मजबूरन, मतलब उस दबंग के चक्कर में केवल जी। शहडोल के धनपुरी नगर पालिका क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी में रहने वाले थॉमस मसीह के हृदय गति रुकने से मौत होने के बाद धनपुरी थाना क्षेत्र के एक नंबर नर्सरी स्थित क्रिश्चियन समाज की सन 1904 से स्थापित कब्रिस्तान में दफन के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन वहां पे ताला जड़ा होने के कारण अंतिम संस्कार नहीं हो सका। क्रिश्चियन समाज के लोगों का आरोप है कि क्षेत्र के एक दबंग द्वारा उसके कब्रिस्तान में ताला जड़ दिया गया है और उन्हें अंतिम संस्कार करने से रोका जा रहा है, जिसको लेकर बवाल खड़ा कर दिया गया। मामला तुल पकड़ता देख मौके पर पहुंचे तहसीलदार व धनपुरी थाना प्रभारी के मौजूदगी में मामला शांत कराकर कब्रिस्तान में जड़ ताला से मुक्त कराया गया और थॉमस का अंतिम संस्कार करने का इजाजत दिया गया, लेकिन दबंग के दबंगई के चलते एक दिन बाद अंतिम संस्कार किया गया। वहीं क्रिश्चियन समाज के लोगों को एक मामला अंतिम संस्कार करने का समय दिया गया है, साथ ही प्रशासन ने उसके लिए कहीं और जमीन अलॉट करने की और अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था करने की बात कही है। भैया पिछले साल भी यही हुआ था, हमारी बहन की डेथ हो गई थी तो उस बार भी बहुत हमारे उनको जब कब्रिस्तान में मिट्टी देने के लिए बहुत ही मतलब हमको कष्ट का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो भी वहाँ पे ग्रेवयार्ड है जो भी कब्रिस्तान है उसमें पूरा कब्जा कर लिया गया है, मछली पालन वहाँ पे हो रहा है और दूसरी बात जब हमारी बहन की डेथ हुई जब हमने वहाँ लेके गए तब वो वहाँ पे हमको मिट्टी देने नहीं दे रहे थे, हम बोले कि हम नहीं यहाँ पे मिट्टी देने देंगे, जबकि वहाँ पे मिट्टी आज कितने वर्षों से वहाँ पे क्रिश्चियन समाज के लोग वहाँ पर पे जाकर के लोग मिट्टी दे दे रहे, आज उस जमीन को कब्जिया लिया गया है कि क्या कहते हैं ताला लगा दिया गया कि हमारी जमीन है करके और हमें मिट्टी देने में हम क्रिश्चियन समाज को लोगों को दबाया जा रहा है और बहुत ही ज्यादा मतलब मिट्टी देने के लिए सब मना ही डायरेक्ट कर दिया गया, आज भी वही लागू हुआ कि जब हमारे जी जी के जब
छोटे भाई की जब डेथ हो गई तो आज भी वही कंडीशन वहाँ पे हुआ और क्या कहते हैं ताला लगा दिया गया, नहीं देने दिए। नहीं कोई विवाद नहीं था, क्रिश्चियन समुदाय की डेथ हुई तो वो जेसीबी मशीन लेकर के गड्ढा खोदना चाह रहे थे, उसको लेकर रुका रहा, क्योंकि अंदर जो है बाउंड्री भी बनी है, पौधे वगैरह लगे हैं, इसी बात को लेकर थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ था, मामला सुलझ गया है और दोनों समुदाय साथ में है, वो अपना दफनाएंगे। उनका आरोप है कि पूर्व में भी जो दबंग नेता है वो उनके कब्रस्तान में ताला लगा दिया था जिससे वो घर में दफनाए थे। नहीं, जब मैं आया था लास्ट बार तो एक ताला लगा हुआ था, वो ताला हमने खुलवा के नगर पालिका के हैंड ओवर नया ताला लगवाया था, अब नगर पालिका के अंदर में है सभी चीज़ें। अभी क्या स्थिति बनी है? अभी सामान्य स्थिति, सामंजस्य हो गया है। सामंजस्य और दोनों ही पक्ष आपस में मिलजुल कर काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्यूट क्या है यहाँ, किस बात का डिस्प्यूट, आखिर विवाद का कारण क्या है? संयुक्त कब्रें, मतलब संयुक्त रूप से हिंदू और क्रिश्चियंस का एक कब्रगाह हो जाना, यही थोड़ा कभी कभी विवाद पैदा करता है, उसका हल देख रहे हैं। तो व्यक्ति विशेष के ऊपर आरोप लग रहा है कि एक दबंग व्यक्ति उसके द्वारा जो है उस पर कब्जा कर लिया गया, ताला लगा लिया जाता है? नहीं,